लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। कोविड 19 2019 में ये बीमारी फैल गई, अभी आज 2021 है। इस कालखंड में दो लहर तो आके गई, तीसरी लहर की घंटी बजने वाले ऐसे लोग बोल रहे हैं। और जैसे भी गणपति उत्सव है, महाराष्ट्र में बहुत बड़ा उत्सव होता है, मुंबई और शहरी इलाके से बहुत सारे लोग अपने गांव, यानी कोंकण हो, पश्चिम महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, खानदेश, गुजरात में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश, यूपी, साउथ, नॉर्थ, सभी इधर गए हैं। अभी उनका वापसी आना शुरू हो जाएगा। मुंबई के अतिरिक्त आयुक्त ने भी बोला है कि भाई आने वाले 15 दिन तो बहुत यानी धोखादायक है, इस कालखंड में बहुत जिम्मेदारी के साथ काम करना पड़ेगा। माननीय आयुक्त श्री बांगर साहब से हमने कहा है कि अभी बाहर से लोग 1.5 दिन के गणपति थे, 5 दिन के थे, 7 दिन के थे, अभी 10 दिन के भी गणपति, यानी उनका कालखंड खत्म हुआ, अभी लोग आना शुरू हुआ है। बीच में जो 1 डिजिट यानी 7-9 तक फिगर नीचे उतरी थी, अभी वो फिर से 2 डिजिट हुए, 17, 18, 19, 20 भी होने, एक एक इलाके में। तो वो सब बात देखते हुए अभी इमीडिएटली टेस्टिंग बढ़ाओ, जिसके जरिए वहाँ पे जो बढ़ने वाली जो कोविड की संख्या है उसके लिए उपचार करना अपने को ठीक रहेगा। तीसरी लहर आई नहीं, फिर भी डॉक्टर्स, नर्सेस, वार्ड बॉय, दवा पानी, यंत्रणा तैयार उन्होंने की है, फिर भी उनको रिमाइंडर, उनको याद देना मेरा फर्ज था, मैंने दिया। अभी रास्ते बहुत सारे गड्ढे गिरे हुए हैं, रास्ते का भी बंदोबस्त करो। बहुत सारे इलाके में हमारे वालुंज ने बोला है कि उधर वासिम में उधर गंदा पानी आ रहा है। बहुत सारे हमारे कार्यकर्ताओं ने बोला कि भाई हमारे इधर पानी ही नहीं आता। तो आरोग्य की सेवा, एजुकेशन की सेवा, आज एजुकेशन पे हम लोगों ने बात भी नहीं किया क्योंकि आरोग्य के बारे में हम लोग बहुत ज़्यादा सतर्क रहे हैं। और जो कारण लोगों की दुरावस्था होने के लिए होती है, ऐसी बहुत सारी समस्या पे बात होगी। मुझे लगता है कि आयुक्त को हम लोगों ने चेतावनी भी दी है कि हर वार्ड के कार्यकर्ताओं को मैंने बोला है कि तुम्हारे वार्ड के जो समस्या महापालिका से कनेक्टेड है, सिडको से है, MRDC है, MACB, अन्न पुरवठा, PWD, MSRDC, ये सबको आप लोग पत्र लिखो, उसी कॉपी मुझे दो। मैंने कल DCP श्री मेंगड़े साहब से मेरी टेलीफोन पे बात हुई, मैंने उनको बोला है कि जल्दी मैं एक परमिशन आपसे मांग रहा हूँ कि मुझे वासी के शिवाजी चौक में सुबह 9 से लेकर शाम को 5 तक बैठना है। वहाँ पे स्लोगन रहेगी, शाउटिंग, न फटाका, न कुछ रहेगा। 111 वार्ड के लोग उधर आएंगे, शुरू में नज़दीक के लोग आएंगे, दोपहर के टाइम में पूरे स्कड़ के CBD से लेके दीघा तक के लोग, और बीच में आहिस्ता आहिस्ता 5 बजे तक दो चौक के दो हिस्से हैं, उधर लोग इधर बैठेंगे, उधर आते रहेंगे, और बोर्ड तो लेके आएंगे। हमें इस बात का स्टंटबाजी नहीं करना, लेकिन रिजल्ट नहीं निकला तो मास्क तो है ही है, मास्क तो हम हटाने वाले नहीं हैं, लेकिन जो लोगों ने काम नहीं किया वो लोगों की निर्भस्ता। हमारे आज हमारे GD सुतार जी ने बहुत अच्छा एक आयुक्त को बोला कि भाई पूरब का इलाका पूरा गैरेज वालों का, क्या एसेसरी फिट करने वालों का जाहिर करो और उनके ऑफिस के सामने का इलाका, फेरी वाला इलाका जाहिर करो। ये मतलब बहुत चुभने वाली बात उन्होंने कही है। यानी अभी बात ऐसी कि गाली दो, कुछ संताप करो, गुस्सा करो, ये दिन अभी चले गए। कभी कभी मुँह से कोई गलत लफ्ज निकल जाता है, वो हमारी इच्छा भी नहीं है। लेकिन आज दशरथ भगत जी ने बोला 2 अक्टूबर को हमें आंदोलन करने की, मतलब आंदोलन मीन्स महात्मा गांधी के विचारधारा के साथ में। तो ये लोगों के मन में एक तरह का एक जिसको एक तरह का दबाव मन में
हुआ है, दबाव बाहर निकालने की लोग कोशिश कर रहे हैं। मैंने आयुक्त महोदय को कोविड के बारे में तो बोला है, पानी के बारे में बोला है, फेरी वाले हैं, बाद में वासी का हॉस्पिटल, नेहरू का हॉस्पिटल, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, जिसके जरिए लोगों की जो भी समस्या उभर आती है उसको रास्ता निकलना चाहिए, और फेरी वालों की गुंडागर्दी के बारे में बोला है, अरे उस पर बहुत बड़ी चर्चा होगी, और मैं समझता हूँ उसमें से रास्ता निकलेगा। नहीं, घासीराम कोतवाली प्रवृत्ति खाली प्रशासन में नहीं है, ये लोक स्तंभ के चार जो हिस्से है, यानी आज के तारीख में सबसे बड़ा तो आपका मीडिया, मीडिया का प्रभाव, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया, ये सबसे स्ट्रांग स्तंभ है। जुडिशरी ये दूसरा है। ऐसा हालांकि देखा जाए तो प्रशासन चलाने वाले जो राज्य करता है ये सबसे बड़ा स्तंभ है, लेकिन वो नीचे गया, प्रशासन सेकंड है, मीडिया थर्ड है और जुडिशरी फोर्थ टॉप पे है, लेकिन हर में घासीराम कोतवाल किधर कम है किधर ज़्यादा है। और घासीराम कोतवाल कोई धर्म, जात, भाषा, पंथ, पक्ष को लेके नहीं है, ये प्रवृत्ति सभी इधर है, और ये प्रवृत्ति से ही समाज का जो भी कुछ स्वास्थ्य होता है वो बिगड़ता है। उसके लिए मैंने कहा है कि घासीराम कोतवाल लोगों का भी नहीं, तो उनको बोला है कि हमारे कार्यकर्ताओं ने, बहुत सारे लोगों ने घासीराम कोतवाल ड्रामा देखा भी नहीं होगा, पिक्चर भी उस पर निकला है, अभी कादंबरी है, नाटक है। बात ऐसी कि लोगों को घासीराम कोतवाल ये चीज़ क्या है ये समझने के लिए देख, मैंने किसी बोला तू देखो बोले तो क्या बोलेगा, क्या अरे मेरे को मेरे में कुछ बुराई है तो मुझे सीखने के लिए बोल रहे हैं, ऐसा कोई उसमें हमारा उद्देश्य नहीं है। लेकिन घासीराम कोतवाल ये नाटक, ये बेसिकली ड्रामा है, डॉक्टर मोहन आगाशे ने उन्होंने उसमें काम किया है। तो मेरा कहना है कि घासीराम कोतवाल प्रवृत्ति कम होनी चाहिए, यानी इसका मतलब कि अपने कुछ मनमानी चीज़ पाने के लिए सिस्टम को तोड़ फोड़ के बाजू में रख दो, वो प्रवृत्ति घासीराम कोतवाल प्रवृत्ति बोलते हैं, और वो प्रवृत्ति समाज का नाश करती है। ओके महिला, महिलाओं का जो देश भर में हमने ऐसे बोले कि महाराष्ट्र में महिलाओं का जीवन धोखे में आया है, सभी इधर है, लेकिन महाराष्ट्र में तो दिन दहाड़े अभी हो रहा है, जिस ढंग से जो कुछ भी वातावरण महिलाओं के साथ हो रहा है वो घृणास्पद है, यानी इंसानियत की कौन सी सीमा वहाँ पे रही नहीं। तो ये प्रवृत्ति न बढ़ने के लिए सीसीटीवी कैमरे जरूरत की, इधर मास में किसको टेंडर मिलने के लिए सीसीटीवी कैमरे का प्रयोजन करो, नहीं मैंने बोला, स्काईवॉक पे, सबवे में, वहाँ पे पूरा पहरेदार उधर मुकर्र करो, जिसके जरिए महिलाओं का जीवन सुस्थिति में रहे। ओके सर, यहाँ पे आपने एक और बात बोला है कि जिस तरह से कॉन्ट्रैक्ट जो दिया जाता है वो बाहर के लोगों को भी जाता है, जबकि उन लोग जो है कैपेबल नहीं है, बट द अदर थिंग इज दैट कि यहाँ के लोग सब कुछ उनके पास डॉक्यूमेंट्स होते हुए दे आर नॉट गेटिंग द कॉन्ट्रैक्ट अदर देन द अदर पीपल्स आर गोइंग टू। आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन यू वांट आस्क। कहने का मतलब बाहर के लोगों को कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं, फेरी वाले के बारे में मैंने बोला था कि उस टाइम में कई अधिकारी थे, 150 रुपये के लिए उन्होंने जिनका आता पता नहीं ऐसे लोगों को लाइसेंस दिए, और अभी वो हकदार बने, इधर रहते भी नहीं, इस शहर से उनको लेना देना नहीं है। तो ऐसे लोगों को पूरा स्क्रीनिंग करा के जो सही लोग हैं उनको मिलना चाहिए। हॉकर जोन होर्डिंग पॉलिसी ये शहर के लिए मैंने मेरे साथी लोगों के साथ बैठ के बनाई थी, उस वक्त के नगर विकास सचिव मनु कुमार श्रीवास्तव जी के पास वो दी थी, उन्होंने तो मुझे बोला कि नायक साहब ये तो पूरे महाराष्ट्र को लगानी चाहिए, पूरे सबके लिए हम एक ही पॉलिसी निकालने वाले हैं, वो पॉलिसी उधर बक्से में पड़ी हुई है। आज आयुक्त महोदय को मैंने बोला कि भाई वो जो हम लोगों ने पॉलिसी आपसे हाउस में अपन लोगों ने अप्रूव करके भेजिए, बराबर है ना, तो उसको उजागर करके वो सिस्टम लगाओ, होर्डिंग का,
हॉकर्स का मसला खत्म हो जाएगा।